आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 12 रेशन प्रोपोर्शंस में एक टॉपिक यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम कोई भी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक चीज़ की वैल्यू निकाल के फिर कितनी भी चीज़ों की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक आध क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा पेपर में इससे रिलेटेड, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपके बहुत काम आता है ये तरीका, तो ध्यान देना। एक बहुत ही बेसिक और इजी सा एग्जांपल लेती हूँ मैं। आप एक शॉप में गए हो, ठीक है, ये एक शॉप है और ये आप हो। आपको यहाँ पे बैठे हुए शॉपकीपर ने बोला कि मेरे पास 10 के या 20 के, लेट सपोज 20 के 5 पेन हैं, ठीक है, 20 रुपये के 5 पेन वो बेच रहा है, आपको 10 पेन खरीदने हैं, ठीक है, 10 पेन खरीदने हैं, वो 20 के 5 पेन दे रहा है, तो आपको कितने पैसे चाहिए 10 पेन खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप ये तो बहुत बेसिक है, तो आप दिमाग लगा के बोलोगे ओके मुझे कितने, 20 के 5 पेन दे रहा है तो ऑब्वियसली मुझे 40 रुपीज़ चाहिए, यानी 20 20 रुपये दो बार चाहिए, तभी तो 5 पेन 20 के आए, और 5 और चाहिए तो 20 20 दो बार चाहिए, 40 रुपीज़ चाहिए आपको पूरा 10 पेन खरीदने के लिए। लेकिन ये आपने किया कैसे वो देखो, आप पेपर में कैसे करते हो या क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, तो ध्यान देना। 5 पेन्स की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, ठीक है, 5 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, आपको निकालनी है 10 पेन की कॉस्ट, 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक पेन की कॉस्ट निकालोगे। हमेशा याद रखना यूनिटरी मेथड इसी को बोलते हैं, कि आप सबसे पहले एक की कॉस्ट निकालते हो, डायरेक्टली 10 की निकालते नहीं निकालते हो, एक की कॉस्ट निकालते हो। तो एक पेन की कॉस्ट देखो, 5 पेन 20 रुपये के हैं, तो एक पेन कितना कितने का होगा, 20/5 कर दोगे, यानी डिवाइड कर दोगे 5 से, ठीक है, तो आपके पास एक पेन की वैल्यू आई 4 रुपये, राइट। अब एक की वैल्यू आ गई, अब आपसे कितना भी पूछा जाए आप उतना निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया है कि 10 पेन की वैल्यू बोलो कितनी होती है, तो एक की वैल्यू 4 रुपये है, तो 10 की, यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया ना, ऐसे ही 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 10 दैट इज़ 40 रुपीज़ की के आपके ये 10 के 10 पेन हो गए। आई होप ये समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू 294 रुपीज़, तो आपको कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ निकालना है। एक शॉपकीपर ने आपको बोला कि 7 मीटर कपड़ा 294 रुपीज़ का है, तो आपको 5 मीटर चाहिए, तो आपको कितना पैसा देना होगा, आपको वो निकालना है। तो आप कैसे करते हो ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, हमेशा 1 मीटर की कॉस्ट निकालना है, मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। तो 1 मीटर क्लॉथ कितने का होगा, तो देखो 7 मीटर इतने का है, तो 1 मीटर 294 डिवाइड बाय 7, सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है, तो इसको आप डिवाइड करोगे, ये आपके पास आएगा 42 रुपीज़, ठीक है। तो 1 मीटर क्लॉथ जो है वो आपका 42 रुपीज़ का है। अब आपको कितना भी पूछा जाए, यहाँ पे तो 5 मीटर पूछा है, अगर आपको 10 मीटर पूछा जाए, 20 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी पूछा जाए, कोई भी वैल्यू दी हो, आपको बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार डिवाइड करते हैं एक की वैल्यू निकालने के लिए, और जब ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मीटर क्लॉथ की वैल्यू क्या होगी, 42 × 5, तो 42 × 5 वुड गिव यू आपको 210, तो ₹210 आपकी 5 मीटर क्लॉथ की वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए 6 मीटर की कितनी है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपसे पूछा 10 मीटर कितनी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो।